दरभंगा जिला में जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिल न्याय दिलाने का दिया भरोसा। दरभंगा के डेनवी रोड में भू माफियाओं के द्वारा घर घर कब्जा करने के साथ परिवार को जिंदा जलाने का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसका ही एक सीसीटीवी फुटेज सामने प्रशासन के पास है, जो जल्द ही उसका खुलासा भी हो सकता है। बता दें कि जिंदा जलाने मामले में आतंकी करतूत जाप सुप्रीमो जल्द आएंगे परिवार से मिलने, ऐसा बताया गया है। भू माफियाओं की गिरफ्तारी के साथ थाना अध्यक्ष को निलंबित की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार पिछले दिनों दरभंगा शहर के बीच भू माफियाओं के द्वारा घर को जेसीबी से जबरन जमींदोज करने का विरोध करने पर परिवार के 3 सदस्यों को पेट्रोल से जिंदा जलाने की हकीकत जो है, इसके ऊपर प्रशासन काम कर रही है। आज जन अधिकार पार्टी लोजपा दरभंगा कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लिया है। पीड़ित परिवार की एक सदस्य गर्भवती थी, जिसके गर्भ में 8 महीने का बच्चा भी का मौत हो गया है। बता दें दरिंदे की अमानवीय चेहरा को दर्शाता है, जिसके बाद नगर थाना और विश्वविद्यालय थाना प्रभारी चेहरा से घटनास्थल से टेलीफोनिक बातचीत कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बात चुनमुन यादव ने किया है। यहाँ पर राजेश यादव पार्टी के जिला प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने भी किया है। आइए आपको विशेष कवरेज दिखाते हैं, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। यहाँ पर दीपक झा भी दिख रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं। देखिए पूरा कवरेज किस तरह से यहाँ पर न्याय की गुहार जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज की बात जहां तक करें, सीसीटीवी फुटेज जो है अलग एक प्रशासन के पास है, जो जांच के विषय है और जल्द ही इसका खुलासा भी होगा, ऐसा प्रशासन के द्वारा सूत्र बता रहे हैं कि माना गया। खराब रहा इस जी, बिल्कुल पुलिस का रोल संदेशपद है। जब थाना प्रभारी को पीड़ित परिवार के द्वारा लगातार 3-3 बार कॉल जाता है और थाना प्रभारी रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का मिली भगत। और अभी आपको बता देते हैं, जितना भी भूमाफिया इस तरह का अंजाम देता है किसी भी घटना को, तो कहीं ना कहीं थाना का संलिप्तता रहता ही रहता है। और यहाँ भी स्थानीय थाना का इन्वॉल्वमेंट है। और राकेश कुमार जी से हम जानना चाहते हैं कि जब पीड़ित परिवार आपको 3-3 बार कॉल किया, तो आप कहाँ थे और उस घटना घटित होने से पहले आप कहाँ थे, आप आते क्यों नहीं परिवार के पास, आए क्यों नहीं? अगर आप समय से आ गए होते तो शायद इतना बड़ा घटना नहीं होता। ये घटना बहुत बड़ा घटना है, इसको किसी इस घटना को छोटी मोटी घटना से तुलना करना बेकार होगा। चूंकि 2-2 लोग पीएमसी से भर्ती है, एक लोग डीएमसी से भर्ती है और एक बच्चा का भी मृत्यु हो चुका है। इस घटना पर हम लोग जन अधिकार पार्टी के द्वारा आए हैं और इस घटना पर हम लोग चुप बैठने वाले में से नहीं है। हम माननीय राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव जी को भी इस घटना का जानकारी दिया है और उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ से भी जिला प्रशासन से बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि माननीय संरक्षक महोदय भी खुद यहाँ आए और इस घटना में जो भू माफिया संलिप्त है उसके विरोध गिरफ्तारी का मांग करें। और हम लोग लगातार इस घटना के लिए कल से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। कल सबसे पहला हम लोगों का पुतला दहन कार्यक्रम होगा, जो इनकम टैक्स चौराहा पर भू माफियाओं के खिलाफ होगा। और हम आपको बता देते हैं, हम वैसे संगठन के लोग नहीं है जो चुप बैठ जाने वाले। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और जो भी भू माफिया इसमें है, वो शिव कुमार झा हो या अन्यथा कोई बात भी हो उसके अंदर, हम उसको बख्शेंगे नहीं। जब तक जिला प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, तब तक चैन से हम बैठेंगे नहीं। क्या अपने बहन को ले जाओ अंदर, मेरे भाई को बोला हम ले हो। आप इतना बदतमीजी से क्यों बात करे, आपसे पूछे ना रिस्पेक्ट ही देके पूछे ना। तो उस दिन भी बोलता क्या उड़ के आए, जब दीदी बोली कि सब मर जाएगा तब आइएगा, तो बोला उड़ के आए वो राकेश कुमार, क्या नाम था? हाँ वो राकेश सिंह, वो बोला बुलडोजर का हाथ जन वीडियो है हमारा। ओकर बाद जे छै दोसर दिन भेलै, नहि तकर बाद हमसब दोसर दिन मतलब परसू भेलै हँ बृहस्पति, ओहि दिन हमसब भोरे भोरे उठि के थाना पर गेलियै कि आब हमसब रिपोर्ट लिखवा दै छी, क्याकि ई मामला के अगला 5 साल से सब लग खबर छै, ठीक छै, सबके नजर।